तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आम की खट्टी मीठी लौंजी बनाएंगे, या आप इसे आम की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, पर ये आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में 1 महीना और फ्रीज़र में 6 महीना ये ख़राब नहीं होगी। आप एंजॉय कर सकते हैं इसे पूरे साल। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी। और आज ये हम शुगर फ्री बनाएंगे, इसमें बिल्कुल शुगर नहीं ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है, पूरी पराठा के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना, मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हींग और जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी राई भी डाल देंगे। आप इस स्टेज पे कलौंजी भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने स्किप कर दी। तो अभी यहाँ पर हम थोड़े काजू किशमिश डाल देंगे और इसे चलाएंगे। काजू हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर कैरी के पीसेस डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एकदम मीडियम साइज़ कैरी कट की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। इनफैक्ट ये जो हम अचार डालते हैं फिर गुठली के ऊपर जो बच जाता है वही यूज़ किया है, पर आप यहाँ पे कैरी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप छील के यूज़ करें, यानी कि छील के कट करें। अब 1 मिनट सोटे करके इसमें मसाले डाल देंगे। तो लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। फ्रेंड्स, ये कैरी बहुत जल्दी पक जाती है और जब आप छिलका निकाल के इसे बनाते हैं तो वो और भी जल्दी पक जाती है। तो इसे ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो गुड़ डालने के बाद आपको फिर से चलाना है और ये सारा प्रोसेस आप स्लो आंच के ऊपर ही करें, आंच को फास्ट नहीं करें। और जब थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें 2 टीस्पून के जितना पानी डाल दें, जिससे कि ये एक सार हो जाएगा गुड़ और कैरी। हम मारवाड़ी में इसे कैरी रो साग भी बोलते हैं। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, जब सब्ज़ी ना हो तो पराठे बनाकर इससे खाएं। अब ये इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून के जितना मैं अचार का मसाला डाल दूँगी, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। तो इसे चला लेंगे। अब ये अच्छे से उबल गया है तो थोड़ा यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा हमने यहाँ पे सेंधा नमक डाला हुआ है, इसके लिए नमक थोड़ा कम ऐड करें। अब इसे चलाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और इसको हम नीचे उतार देंगे और अच्छे से इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका कलर और भी डार्क हो जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। मुंह में आपके पानी आया है या नहीं? बहुत टेस्टी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें आप। अब इसे हम एक डब्बे में भर देंगे या एक बॉटल में भर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ ऐसी हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।